नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। देश भर में गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं दूसरी ओर इस अवसर पर दिल्ली की न्यू गुप्ता कॉलोनी में स्थित हनुमान मंदिर में भगवान श्री बांके बिहारी जी स्थापित किए गए। आपको बता दें कि हनुमान मंदिर के भवन परिसर में भगवान श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के साज श्रृंगार एवं विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद एक विशाल नगर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें क्षेत्रवासियों को भगवान श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साज सज्जा और बैंड बाजे के साथ निकाली गई ये शोभा यात्रा जब गुप्ता कॉलोनी, कल्याण विहार, प्रियदर्शी विहार तथा आसपास के अन्य इलाकों से गुजरी तो क्षेत्रवासियों ने फूलों की वर्षा करते हुए अपने भगवान की शोभा यात्रा के मन में बड़े ही धार्मिक आस्था लेकर जबरदस्त स्वागत किया और अपने अपने घरों के आगे आरती भी उतारी। इस दौरान रास्ते में जगह जगह भक्तों और क्षेत्रवासियों द्वारा लंगर प्रसाद भी वितरित किया गया। इस मौके पर मॉडल टाउन वार्ड के निगम पार्षद विकेश सेठी ने भी उपस्थित रहकर भगवान श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी अशोक गुप्ता एवं हनुमान मंदिर के संचालन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम के संचालक अशोक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में शायद ये पहला ऐसा स्थान है जहां श्री सालासर महाराज, श्री खाटू श्याम जी और श्री बांके बिहारी जी भगवान का दरबार एक साथ देखने को मिलता है और भक्तों के लिए ही सौभाग्य की बात है कि इस मंदिर में एक साथ दर्शन हो रहे हैं। इस शोभा में अनीता गुप्ता, राम अवतार गुप्ता, धर्मपाल अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, खेमकरण गुप्ता, नवीन गुप्ता, प्रदीप बिंदल, सुरेंद्र कुमार, विपिन गुप्ता सहित सभी भक्तों ने बड़े ही तन्मयता से जुटकर इस आयोजन को सफल बनाया। हमारा काफ़ी दिन से प्रोग्राम बना हुआ था कि एक बिहारी जी का विराजमान करने का, हमारी प्लानिंग जन्माष्टमी से थी, लेकिन बिहारी जी का भी आने का प्रोग्राम नहीं बन पा रहा। उनका तो इच्छा तो उन्हीं की चलनी है, तो अब हमारा ये बसंत पंचमी का आज 26 जनवरी को प्रोग्राम हुआ उनका स्थापना दिवस का। हमारे यहाँ 22 जनवरी से सभी लोग अपने मोहल्ले के, अपने एरिए के आसपास के सराउंडिंग एरिए के सब पूजा चल रही थी। 22, 23, 24, 25, 26 आज सुबह मॉर्निंग में पूजा करके हमने फिर उसका महाअभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद बाबा का बहुत बड़ा श्रृंगार किया गया। श्रृंगार करके हमने फिर बाबा की शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बहुत पब्लिक थी और सब ने जो है ना हर अपने 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 घरों के बाहर स्वागत किया। और अब 12:15 बजे फिर हमने बाबा को यहाँ पे बिहारी जी को विराजमान किया। हमारी बिहारी जी से यही प्रार्थना है, सब भक्त जो भी उनके दर्शन के लिए आए, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। मैं तो सब इतना कहना चाहूँगा कि दिल्ली में एक पहला ये स्थान ऐसा है जहाँ सालासर महाराज, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी और खाटू श्याम जी का एक साथ दरबार देखने को मिला है। दिल्ली में ऐसा दूसरा मंदिर मेरे ख्याल में कोई नहीं है। और यहाँ आने के बाद तीनों देवी देवताओं के दर्शन करने से इतना लाभ प्राप्त हमें मिला है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। इतना बढ़िया आयोजन मेरे ख्याल तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं 70 साल का हो गया हूँ जो आज हमारे मंदिर में हुआ है। करने वाले सारे भगत हैं ये और बाबा करवाने वाला, भाई इतना ही कैसे पहुँच ज़्यादा क्या कहते। बस इस शोभा यात्रा से हमारे कॉलोनी में बड़ी खुशी है कि अशोक जी के अथक प्रयासों से ये बिहारी जी को बाबा श्याम बाबा विराजमान है, सालासर जी विराजमान है, इसमें बिहारी जी को स्थापित करने की बड़ी प्रतीक्षा चल रही थी और अशोक जी के प्रयासों से, अथक प्रयासों से इनको बाबा आज हमारे यहाँ मंदिर में विराजमान हुए। और हमारे को अत्यंत खुशी है इसकी बात की कि ठाकुर जी हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास आकर विराजमान हुए हैं और उनके दर्शन से
मेरी ये मानना है कि वृंदावन वाला लाभ सबको यहाँ आने से मिलेगा। सब प्रभु की लीला है और ये प्रभु जो है हमारे बिहारी जी यहाँ विराजमान हुए हैं। बहुत दिनों से हमारा बड़े भाई साहब का बहुत मन था। खाटू जी 20 साल से विराजमान है यहाँ। हर महीने 5-7 कीर्तन होते हैं बाबा का, हर महीने वो मनाया जाता है और हर साल बाबा का वो मनाया जाता है निशान यात्रा फागुन दासी को। और बिहारी जी की बहुत दिन से मन थी कि बिहारी जी की कृपा बने तो बिहारी जी को भी विराजमान कराया था। आज बिहारी जी 5 दिन से पूजा चल रही थी यहाँ, 4 दिन से आज जो है आज विराजमान हुए और आज बसंत पंचमी का दिन है तो भगवान की बहुत असीम कृपा है। यात्रा जो है अचूक है, इसका मतलब कि कोई कहने लायक शब्द नहीं है। इतनी बढ़िया यात्रा और जो स्थापना हमारा अशोक जी ने करवाई है बाकी बिहारी जी की, उसके बारे में कोई शब्द नहीं है। साला सर जी, भगवान के अलावा अब यहाँ पर बाके बिहारी जी के भी दर्शन होंगे, लोगों को तो कैसा लगेगा? खाटू श्याम जी, बाके बिहारी जी, साला सर जी, भगवान, तीनों धाम एक ही जगह प्रांगण में हो गए। आपको दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आपको तीनों के दर्शन होंगे। इसमें हमारे अशोक जी का और काफी सहयोगों का काफी उनमें सहयोग है। बहुत समय से ये प्रतीक्षा थी इसकी कि बाकी बिहारी जी विराजमान हो यहाँ। आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कॉलोनी वासियों को, बाकी बिहारी जी आज विराजमान हुए हैं। और हम सभी से बाकी बिहारी जी से ये विनती करते हैं कि जो भी उनके दर्शन करने हैं आए, उनकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करें।